आईसीएआर यूजी 2022 के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है? क्या इस बार एजी के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं? अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो लेटेस्ट एजी का सिलेबस क्या है? आईसीएआर यूजी में स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो किस लेवल का होता है, 11th लेवल होता है या फिर 12th लेवल का होता है? आईसीआर यूजी में एग्रीकल्चर में कितना क्वेश्चन पूछता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, लेटेस्ट मार्किंग क्या है? ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट तरीका है जिसे हम फॉलो करके स्पेशली आईसीआर यूजी में जो एग्रीकल्चर सेक्शन है उसमें टॉप स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई सीक्रेट तरीका है या फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी है तो वो क्या है जिसे फॉलो करके हम कम टाइम में कम पढ़ के टॉप स्कोर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशल आईसीआर यूजी 2022 या फिर 23 के एस्पिरेंट हो, अब सभी को पता होगा आईसीआर यूजी में अगर आप टॉप स्कोर करना चाहते हो या फिर टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाना चाहते हो, एग्रीकल्चर सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो भी आपका डाउट है आईसीआर यूजी में जो एजी का सेक्शन है उसका लेटेस्ट सिलेबस, मार्किंग प्रोसेस, और लास्ट में बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सिर्फ 2 महीने में 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन कंडीशन यही है, वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तो देखना ताकि आपको जो भी बताऊंगा अच्छे से समझ में आ सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट बताए और कुछ बकवास बताए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी आईसीआर यूजी का जो भी आपका एडमिशन हो जाता है उसका फीस स्ट्रक्चर कितना आपको मिलेगा, लेटेस्ट एज लिमिट स्पेशली आईसीआर के लिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह का जो भी बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसे आप फॉलो करके कम पढ़ के टॉप स्कोर कर सकते हो, वीडियो बना चुका हूँ, जाके 1 बाय 1 देख लेना। इस वीडियो को देखने बाद सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि आईसीआर यूजी का जो एग्रीकल्चर सेक्शन है वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, क्या इस बार आईसीआर यूजी में जो सिलेबस हुआ है चेंजेस हुआ है या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको पता होगा हर साल आईसीआर हो, नीट हो, जब से एनटीए आया है सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस करके ला रहा है। अगर कोई भी एस्पिरेंट उस चेंजेस को ध्यान में रखेगा तब 110% उसका सिलेक्शन होगा। अगर कोई उसे इग्नोर करेगा और उसे पता ही नहीं है कि चेंजेस क्या हो रहा है हर साल, उसको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिल सकता। अगर वो पुराने तरीके से जाएगा, वो आईसीआर हो या फिर नीट हो, बीच हो, कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकता। इसलिए जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट मार्किंग प्रोसेस है, उसे फॉलो करना सीखो। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है और आप प्लीज नोट डाउन कर देना। ओके, उसमें जो आईसीआर यूजी में जो एग्रीकल्चर सेक्शन होता है टोटल 8 चैप्टर होता है। ओके, 8 चैप्टर में से सिर्फ 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कवर करोगे, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, तब आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो प्लीज नोट डाउन करना। फर्स्ट है एग्रो मेटेरियोलॉजी, फर्स्ट, सेकंड है जेनेटिक्स, थर्ड है प्लांट ब्रीडिंग, फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ है माइक्रोबायोलॉजी, सिक्स्थ है क्रॉप प्रोडक्शन, सेवन्थ है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, 8th है हॉर्टिकल्चर। अगर आप अच्छे से समझ में नहीं पा रहा हो, वीडियो को बैक करके अच्छे से सुन लेना, नहीं तो आप कभी भी एग्रीकल्चर सेक्शन में टॉप नहीं कर सकते, जो ट्रू फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सेकंड पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर सेक्शन है वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, 11th लेवल या फिर 12th लेवल? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्शन में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है, मतलब कि 11th लेवल का पूछेगा या फिर 12th लेवल का पूछेगा। इसके लिए आपको स्पेशली एक बुक प्रिफर करना पड़ेगा जो मैं अभी बताऊंगा। अगर आप उससे प्रिफर करोगे तो एग्रीकल्चर में टॉप होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं एक टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट, मैं नहीं चाहता हूँ मैंने जो गलती किया था जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप वो गलती करो, इसलिए मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं जो भी बताऊंगा आपको फ्यूचर में हेल्प हो सकेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीआर यूजी में जो एग्रीकल्चर सेक्शन है उसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है।
तो आपको बताना चाहूँगा एजी में टोटल 50 ओके 50 क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप करेक्ट करते हो आपको इंटू 4 मतलब हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 4 मार्क होता है। टोटल 50 × 4 इज इक्वल टू 200 मार्क आपको मिलेगा फर्स्ट पॉइंट। अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपके लिए एक बैड न्यूज है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप गलत करते हो -1 नेगेटिव मार्किंग कटेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितना भी आता है आपको उतना ही करो। अगर आप नेगेटिव मार्किंग चक्कर में जाओगे तो आपको वो 4 मार्क भी कटेगा, उसके साथ ही 1 मार्क भी कटेगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -5 मार्क झेलना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ मैंने गलती की थी, प्लीज़ ये गलती मत करो। जितना आए करेक्ट उतना करेक्ट करो ओके, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ICER में ऑल इंडिया में अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी देखोगे एग्रीकल्चर सेक्शन में करियर करना चाहते हो तो वो है ICER, और ICER में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैंने 3-4 लगा लिया उसमें सिलेक्शन लेने के लिए, इसलिए मैंने जो गलती किया था प्लीज़ मत करो, आप सभी को सजेशन है ओके। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, गोल्डन टिप्स क्या है। जो बता रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर लो। फर्स्ट तरीका है स्मार्ट वर्क, सेकेंड तरीका है हार्ड वर्क। अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ स्मार्ट वर्क करो। अगर आप 2023 के लिए मतलब आपके पास टाइम है हार्ड वर्क करो। मेरा कहने का मतलब है अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मैंने अभी जो भी आपका 8 चैप्टर बता दिया एग्रीकल्चर सेक्शन में, उसे अच्छे से 1x1 कवर करो। एक बुक लेकर खरीद कर ले आओ, बाद में बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करोगे बेस्ट बुक फॉर ICER मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जो मैंने खरीदा था ओके। तो उन्हीं चैप्टर को अच्छे बारीकी से पढ़ना है, मतलब डिटेल से पढ़ना है, तभी जाके आपको फुल मार्क ले आओगे। मतलब 50 में से 50 110% ले आओगे, कंडीशन नहीं है। आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है स्मार्ट वर्क, जो भी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं बुक ना खरीदूँ कैसे मैं टॉप कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जो भी चैप्टर बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं चैप्टर को पढ़ोगे तो 50 में से लगभग 42 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आएगा। मैं बता रहा हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ नोट डाउन कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब शेयर कर देना, ये आपका काम है। बहुत मेहनत लगता है डिटेल एनालिसिस करके ही, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी ओके। अब आते हैं पॉइंट पर, सिर्फ 3 चैप्टर बताऊँगा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यहाँ से लगभग 12 to 50 क्वेश्चन यहाँ से आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। सेकेंड है बायोकेमिस्ट्री, थर्ड है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री, बस इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। वो भी यूट्यूब पे हो, या फिर अगर आप क्वेश्चन नहीं पा रहे हो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा ओके, जिससे आप पढ़ के टॉप कर सकते हो। अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हो पूरी तरह से करेक्ट, आपको सिलेक्शन देने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 साल का कलेक्ट करना है, और उसमें जो भी क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में टॉप करने के लिए स्ट्रैटेजी यही है। लगभग 90% चांसेस है, जो मैंने एनालिसिस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको अगर आप नहीं पा रहे हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल का ले आओ, उसे रट्टा मार लो, आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा ओके। यही है बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपके दिमाग में इतना सा डाउट है अपना भाई समझ के नीचे कमेंट करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मैंने जो गलती किया था आप वो गलती मत करो ओके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी चाहते हो नीचे कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।